नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ओमती थाना अंतर्गत नेपियर टाउन स्थित ऑटो पार्ट्स व्यापारी दलजीत सिंह टुटेजा के घर एक डकैती के उपरांत पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। डीएसपी क्राइम सुशील चौहान का कहना है कि जल्द ही लुटेरे उनकी गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने इसके लिए 8 टीमें बनाकर अलग अलग जानकारी जुटाने के लिए विभिन्न शहरों में भी भेजा है। पुलिस के सामने मुख्य समस्या लुटेरों के चेहरों की शिनाख्त न हो पाना है। मौजूदा सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ नेपियर टाउन क्षेत्र के रहवासी डकैती की इस बड़ी वारदात से डरे हुए हैं, क्योंकि इसी लाइन में यह चौथी डकैती है। वहीं पूरा पुलिस महकमा इस वारदात की गुत्थी सुलझा ले छूटा हुआ है। बावजूद कई दिन बीत जाने पर भी उसके हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया है। जबलपुर से संतोष कोरी की रिपोर्ट। डकैती में करीब 9 टीमें लगी हुई हैं और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के घटनास्थल से जो भी सीसी कैमरे जहाँ जहाँ लगे हुए हैं उनके फुटेज चेक किए जा रहे हैं और जो अज्ञात आरोपी हैं उन पर 10,000 रुपये का इनाम सुमन निशीक्षण महोदय द्वारा जारी किया गया है। जो भी इस संबंध में सूचना दे या अज्ञात आरोपियों के बारे में जानकारी दे उसको नाम दिया जाएगा और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद है जल्दी सफलता मिलेगी।